मंदिर कब खुलेगा, ये सब लोग भक्त जन अपेक्षा किए हैं कि मंदिर कब खुलेगा, और आपकी निष्पत्ति क्या है और आपकी मार्गदर्शन क्या कुछ है मंदिर का जो प्रशासन के लिए और कमेटी के लिए? ऐसा है कि समिति ने इस संबंध में मुझसे कोई संपर्क स्थापित नहीं किया, तो मैं क्या कह सकता हूँ। सभी लोग चाहते हैं, भक्तजन चाहते हैं कि आपकी मैसेज क्या है। ऐसा है कि उच्चतम न्यायालय ने यह निर्देश दिया कि कोई भी महत्वपूर्ण सी मंदिर को लेकर निर्णय लेना हो तो शंकराचार्य का परामर्श मार्गदर्शन अपेक्षित है, लेकिन समिति ने, शासन तंत्र ने या सेवायत ने मुझसे किसी प्रकार का कोई संपर्क स्थापित नहीं किया है, अतः मैं इस संबंध में क्या कह सकता हूँ। 4 तारीख को बैठक किया जा रहा है, कुछ सूचना हम लोग के पास आया है, 4 तारीख को सूचना आ रहा है, बैठक है, उसके पहले कुछ बातचीत होगा, कुछ प्रशासन ने आपके साथ कांटेक्ट किए हैं? मेरे पास श्री मंदिर को लेकर प्रशासन ने कोई संपर्क स्थापित नहीं किया। तब भी आपका क्या कुछ आह्वान है? अभी जो पैंडेमिक सिचुएशन चल रहा है और महामारी का सिचुएशन कुछ तो दब रहा है, तो उस के आधार पर कैसे खोला जाएगा, जब खुला जाएगा कैसे खुला जाएगा कि नहीं खुला जाएगा? समिति मुझसे पूछे तो मैं भाव व्यक्त कर सकता हूँ, समिति के व्यक्तियों से पूछ सकता हूँ परिस्थिति क्या है। जब मुझे इस संबंध में कोई जानकारी ही समिति की ओर से नहीं है तो मैं क्या भाव व्यक्त करूँ, प्रश्न उठता है। और रथ यात्रा के बारे में क्या कुछ चाहिए, कैसे हुआ पूरा रथ यात्रा निराद्री विजय तक, और किसी को कुछ? इस बार भीड़ भाड़ तो थी नहीं, अधिकृत सेवायतों ने भगवान को यथास्थान रथ के माध्यम से पहुंचाया, गुलीचा मंदिर में प्रतिष्ठित किया, लौट के भगवान आ भी गए, इतनी मुझे सूचना है कि व्यवस्थित ढंग से सब काम हुआ। और कुछ विवाद जो जनमाध्यम में आया कि ये लोग गए जिसका प्राधिकृत नहीं थे वो लोग गए देखने के लिए, इसके बारे में क्या? मुझे इसकी जानकारी नहीं है क्या विवाद हुआ, तो मैं क्या बोल सकता हूँ। गुरु जी, एक ही बात है कि जो मंदिर का जो मैनेजिंग कमेटी अभी तक बना हुआ नहीं है, और मैनेजिंग कमेटी पे आपको लेना चाहिए क्या शंकराचार्य जाने, जैसे गजपति है मैनेजिंग कमेटी में, जैसे गजपति है आप भी जाना चाहिए परिचालन कमेटी का टेम्पल का। मान न मान मैं तेरा मेहमान, इस कहावत को मैं चरितार्थ नहीं करना चाहता, मैं शंकराचार्य के पद पर हूँ और शंकराचार्य का पद बहुत महत्वपूर्ण होता है, विश्व स्तर का सबसे उत्कृष्ट पद है यह, हमारा अधिकार क्षेत्र और कार्य क्षेत्र भी पूरा विश्व है, ऐसी स्थिति में मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि श्री मंदिर है शिक्षा रक्षा संस्कृति सेवा धर्म मोक्ष का संस्थान होना चाहिए, शुचिता स्वच्छता सुंदरता शील संपन्न स्नेह संपन्न व्यक्ति की संरचना का मार्ग प्रशस्त होना चाहिए, गिने चुने व्यक्तियों की मनोवृत्ति मानने आस्था का केंद्र या रोटी का केंद्र ही वो बनाकर रखना उचित नहीं है। गुरु जी, जो व्यवस्था है परिचालन कमेटी का, गुरु जी ये जो परिचालन कमेटी का व्यवस्था है किस चुनने के लिए नियोग से नियुक्त किया जा रहा है, ये व्यवस्था कब से हुआ, कौन बना ये व्यवस्था, सब नियोग से क्यों नहीं होता है, तो ये मनमन हो इसलिए भी सुप्रीम कोर्ट में भी केस हुआ है, तो ये व्यवस्था क्या है, आपसे परामर्श की क्यों नहीं ली जाती इस व्यवस्था के ऊपर? मुझसे सबको डर लगता है, मुझे किसी से डर नहीं लगता, क्योंकि यहाँ आने पर पक्षपात शून्य होकर वस्तु स्थिति को समझकर हम मुँह खोलते हैं, हमारे मुँह खोलने का अर्थ विश्व स्तर पर बहुत कुछ होता है,
दर्शन विज्ञान और व्यवहार में सामंजस्य साध करके हम बोलते हैं, राग द्वेष कोरी भावुकता अविवेक हमारी वाणी पर नहीं होता है, तो हमसे बचने का प्रयास पूरा विश्व करता है, तो समिति करते हैं, इसमें क्या आश्चर्य। ये लोग जो आए हैं, जो बेड़ाभूमि जो मधुमुक्ति अभियान की तरफ से आए हैं, ये पूरी को गोवा जैसा करने के लिए और जो प्रशासन राज्य सरकार ने जो प्रयास कर रहे हैं कि जो सी बीच है पूरी कोणार्क जो बेड़ाभूमि है उसके उसके तरफ वो जो बेड़ाभूमि है वहाँ पे मद बिक्री किया जाएगा और यहाँ पे भी पूरी में भी किया जाएगा, इसको लेके आपके साथ उन्होंने बातचीत की है? मुझसे कोई बातचीत नहीं की है और कोई इस प्रकार का अभियान अगर लिखित उन्होंने दिया हो पारित किया हो तो मुझे दीजिए, मैं उस पर विचार करूंगा। इसको कैसे ठीक है बीच में ऐसे किया जाएगा असर होगा कितना? गुरु जी एक ही बात है कि पुरी का बीच में जो मौतों का असर कितना ठीक है वो जो राज्य सरकार जो आध्यात्मिक स्थान है। कैसा है कि मध्य की दुकानें बनेंगी ये सूचना जो है प्रामाणिक है, मैं कैसे मानू? कोई लिखित है या टेंडर दिया है? राज्य सरकार ने भी टेंडर दिया है कि आप आध्यात्मिक राजधानी बनाने के लिए हर वक्त स्लोगन देते हैं और नारा भी देते हैं, लेकिन सरकार की तरफ से यहाँ पर मद अभियान शराब की दुकान खुलेगा बहन देव रोड पे? मध्य की दुकानें खुलेंगी ये कोई लिखित है या समाचार पत्र में छपा है? कैसे मैं मानू? गवर्नमेंट ने टेंडर किया है, पूरा लिखित है, पूरा टेंडर किया गया है और उसमें समाज पत्र में भी ये बार बार प्रकाशित। गुरु जी मैं लिख के ये देता हूँ, उड़ीसा टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, उन्होंने वो डिक्लेरेशन किए हैं इन्विटेशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर ऑपरेशन ऑफ बीच हैक इन सिक्स मेजर ऑफ द स्टेट। जो उड़ीसा का जो 482 किलोमीटर जो कोस्ट लाइन है वहीं पे छह जगह पे यहाँ ये बीच में वाइन सर्व किया जाएगा और पूरा लिखा हुआ है फॉर टूरिज्म प्रमोशन सर्विंग ऑफ लिकोर इन बीच सैक इज अलाउड अंडर एक्साइज पॉलिसी 2021। ऑपरेशन ऑफ द बीच सैक विल बी आइदर थ्रू ओटीडीसी डायरेक्टली और थ्रू private agencies engaged by OTDC wherein OTDC shall be the primary license holder of the liquor। ये tender पूरा किया गया है और ये tender 30th online tender 30th तक है, इसीलिए इन्होंने उस ओर उत्तोलन किए। मैं एक अनुरोध करता हूँ, श्री गजपत जी के मोबाइल पर यह सामग्री आप भेज दीजिए। ये तो किया जाएगा और ये जो क्योंकि अभी जो हमने संपर्क करवाया तो उन्होंने कहा इस प्रकार की कोई योजना मेरे पास नहीं आई, उनके पास ये सामग्री हो कि इस प्रकार की योजना तो छप चुकी है, प्रकाशित हो चुकी है, तो अच्छा रहेगा। वो समिति के चूंकि चेयरमैन है, लेकिन हम लोग मानते हैं कि आप हमारा जो जगन्नाथ संस्कृति हमारा जो सभ्यता के कस्टोडियन है, तो आपका स्टेटमेंट का इम्पैक्ट तो गवर्नमेंट पर सारे स्तर पर रहेगा। तीर्थस्थली को भोगस्थली बनाना दिशाहीन करना सर्वथा उचित है और पर्यटन विभाग हो कोई भी विभाग हो शासन तंत्र हो उसको सूझबूझ का परिचय देकर आस्था का परिचय देकर आस्तिकता का परिचय देकर परंपरा की रक्षा का अभियान चलाना चाहिए। तीर्थ को दिशाहीन करने का अधिकार किसी को नहीं। यह आध्यात्मिक राजधानी है, श्री क्षेत्र संख क्षेत्र है, यहाँ पे बीच में ऐसे किया जाएगा तो ये तो आपको कुठाराघात होगा। हम पे कुठाराघात नहीं होगा, यदि ऐसा अभियान है सचमुच में तो सरकार भी टूट सकती है, हम सरकार बनाने वाले भी हैं तोड़ने वाले भी हैं, हमारी गति बहुत दूर तक। थैंक्स वेरी मच ऑल्सो। ये सबसे बड़ी बात है आपकी तरफ से महोदय आरती किनारे पे किया जाता है। सुनिए मैं एक संस्मरण सुनाता हूँ, क्या नाम है? बद्री जी, पूज्य गुरुदेव स्वामी कर्पाती जी महाराज
के पास में बैठा था रात्रि के लगभग 7 बजे। उन्होंने मुझसे कहा, गंगा तट पर काशी में उन्होंने एक चौंकाने वाला प्रश्न मुझसे कर दिया, नरक का दर्शन करना है। मैं चौंक गया। उन्होंने कहा, नरक का दर्शन करना हो तो मकान से नीचे उतरो, गंगा के तट पर सुरा सुंदरी का तांडव नृत्य दिखाई पड़ेगा। मुझ गुरुदेव ने कहा, नरक का दर्शन करना हो तो सूर्यास्त के बाद गंगा के तट पर काशी में घूमो, सुरा सुंदरी का तांडव नृत्य दिखाई पड़ेगा। इसलिए मैंने समुद्र आरती प्रारंभ की और मेरा भाव था कि हर 1 किलोमीटर पर 2 किलोमीटर पर संध्या के समय इस प्रकार का कार्य हो, ताकि सुरा सुंदरी वाले अठखेली करने वालों की दाल न गले। इसी भावना से साल में कई हजार रुपये खर्च होते हैं आरती पर, लेकिन मैंने इसलिए प्रारंभ किया कि कहीं कीर्तन हो कहीं आरती हो, ये जो कम से कम 3 किलोमीटर का क्षेत्र है, धार्मिक वातावरण से इतना सराबोर हो जाए कि किसी सुरा सुंदरी वाले अठखेली करने वालों की दाल न गले। मैं आपको संस्मरण दिलाता हूँ, मैंने दिल्ली में विद्या अध्ययन किया है। दिल्ली में जितने पार्क थे उस समय, उसमें कथा होती थी, कीर्तन होता था, सत्संग होता था। एक भी पार्क ऐसा नहीं था जब मैं दिल्ली में विद्यार्थी था जहाँ अश्लील मनोरंजन होता हो, मादक द्रव्य की पहुँच हो, कुछ नहीं। हमने दिल्ली में अध्ययन किया है, दिल्ली के पार्कों का मुझे अच्छी तरह ज्ञान है। आदर्श केंद्र, सत्संग का केंद्र, प्रवचन का केंद्र, संतों का केंद्र, और ये समुद्र तीर्थ में, फिर धाम में, समुद्र के तट पर अश्लील मनोरंजन, मादक द्रव्य असह्य है, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और यहाँ पे होने वाला है, और जो धार्मिक संस्थान हैं हमसे मिलें, 1-1 किलोमीटर पर इस प्रकार का कार्यक्रम हो, ऐसे स्वयं सेवक तैयार हो कि अठखेली करने वालों की दाल न गले। और गुरु जी, टूरिस्ट लोग तो बाहर से आते हैं, ये लोग ये सारे मटेरियल सेंसुअल प्लेजर से अतिष्ट हो चुके हैं, ये असलता इससे हो के ये आध्यात्मिकता के लिए, शांति के लिए यहाँ आते हैं। बात ठीक है, यहाँ उन लोगों को हम लोग शराब और ये असली नृत्य वगैरह करके, ये तो एक नहीं। तो अब मैंने कहा कि यदि पर्यटन विभाग हो या सरकार की सहमति हो, सरकार भले ही टूट जाए, इस योजना को वो क्रियान्वित नहीं होने देना चाहिए।